टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का मैदान पर वापसी का समय पूरे तरीके से नजदीक आ चुका है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि धोनी को श्रीलंका नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम में जरूर चुना जा सकता है, लेकिन इन दोनों ही सीरीज के लिए धोनी का नाम टीम इंडिया में नहीं दिखा। अब माना जा रहा है कि धोनी न्यूजीलैंड दौरे पर टीम में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धोनी न्यूजीलैंड दौरे में टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, जहां भारतीय टीम को 5 T20, 3 ODI और 2 टेस्ट मुकाबले खेलने। इस दौरे का आगाज 24 जनवरी से होगा। आपको बता दें कि धोनी ने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि मैदान पर वापसी के लिए जनवरी तक कुछ मत पूछिए। अब जनवरी के आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होनी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि T20 और वनडे सीरीज के लिए धोनी टीम इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। बता दें कि धोनी ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से कोई मुकाबला नहीं खेला है, जिसमें भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ था और न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर विश्व कप से बाहर कर दिया था। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर धोनी की सोच कि जिस टीम ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर किया था, अब उसी टीम के खिलाफ धोनी मैदान पर वापसी करेंगे। हो सकता है कि धोनी की यह सोच और न्यूजीलैंड से उस हार का बदला लिया जा सके, यानी कि अब महेंद्र सिंह पूरे तरीके से तैयार हो रहे हैं और अब जब धोनी तैयार है तो फिर कोई भी टीम उनके आगे टिक नहीं पाएगी। ANP न्यूज रूम से विजेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।